students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemie. Probably it is the last lecture of chapter 5 surface chemistry और आज हम बात करने वाले हैं emulsions और gels के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं what are emulsions. Now emulsion, it is a colloidal solution in which both कौन-कौन dispersed phase and dispersion medium are liquid. दोनों ही liquid हैं, dispersed phase भी and dispersion medium भी, तो they form emulsion. And the best example is milk, right? Milk is an emulsion. टीवी में पेंट्स की एड आती है, नैरोलिक एक्रिलिक इमल्शन, राइट? तो जिसमें दोनों चीजें जो हमने मिक्स की हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर उनको क्या टर्म देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज मींस सॉल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम मींस सॉल्वेंट, तो दोनों ही लिक्विड हैं. क्लियर? ओके. अब इसकी टाइप्स, इमल्शन दो तरह की है, एक ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड इज वाटर इन ऑयल टाइप. एक है ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरी है वाटर इन ऑयल टाइप. मतलब यहां पे ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, राइट, मींस डिस्पर्स्ड फेज. And water, it is in large quantity, means dispersion medium. और इधर उल्टा है, यहां पे water क्या होगा हमारे पास, dispersed phase, and oil क्या होगा, dispersion medium. अब देखिए oil in water, इसका best example milk, है ना? Milk के अंदर मैक्सिमम वाटर होता है और वाटर के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर्स वो इसके अंदर डिस्पर्स्ड होती हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, वाटर की, है ना? और ऑयल इन वाटर, सॉरी, वाटर इन ऑयल, फॉर एग्जांपल कोल्ड क्रीम आप लोग यूज करते हो, कोल्ड क्रीम, राइट, देन बॉडी लोशंस जितने भी हैं, राइट, कॉड लिवर ऑयल. And one very nice example, that is butter, water in oil type colloidal solution, right? Okay. अब देखिए oil in water and water in oil दो तरह की हमारे पास आ गई. इसमें एक example है milk and one more is that is vanishing cream. मैंने कहीं पढ़ा था question में what is the difference between vanishing cream and cold cream. वेनिशिंग क्रीम के अंदर फैट कम, ऑयल कम, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, मींस ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हो, गर्मियों में यूज कर सकते हो, राइट. लेकिन जो कोल्ड क्रीम है उसके अंदर ऑयल का कंटेंट ज्यादा रहता है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, राइट. एंड अब आप इसका डिफरेंस आराम से देख सकते हो, इट इज ऑयल इन वाटर एंड दिस इज वाटर इन ऑयल टाइप. ऑयल का कंटेंट ज्यादा वेनिशिंग क्रीम में, ऑयल का कंटेंट कम होता है, राइट. डियर स्टूडेंट्स, इमल्शन की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इज इट इज फॉर्म्ड व्हेन एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड. इमिसिबल मींस देखो इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, लेकिन ये दोनों लिक्विड नॉर्मल कंडीशंस में आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वही इमल्शन बनाएंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर, राइट. एंड मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर. मिल्क के अंदर ऑयल भी है, वाटर भी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता. कब दिखाई देता है, जब मिल्क से आप मलाई बनाते हो, मलाई से मक्खन बनाते हो, मक्खन से आप घी बनाते हो,
तो आप हर चीज को अलग कर लेते हो। मिल्क से आप चीज बनाते हो, आपने मिल्क का प्रोटीन पार्ट निकाला। मिल्क से आपने घी बनाया, आपने उसका फैट वाला कंटेंट बाहर निकाल लिया, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो मिल्क के अंदर शुगर ऐड नहीं करते, बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल शुगर्स डिसॉल्व इन इट। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने की, और लेट अस फाइंड कि उसको स्टेबल करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट का भी यूज करेंगे, क्योंकि ये इमिसिबल है तो इनको मिसिबल करने के लिए, इनको मिसिबल करने के लिए, मिक्स करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम जो कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। अब देखिए, मेरे पास ये मैंने वाटर लिया है, राइट, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा घी, ठीक है, घी और ऑयल जो भी हमारे पास हो। तो आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल अलग लेयर तैयार हो गई। इसको मैं शेक करने की कोशिश करती हूँ, लेट मी ट्राई टू डिजोल्व इट। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है ये मिक्स हो गए, लेकिन फिर देखो फिर से ऊपर आके वो सेटल हो गया ना, देखो। अब इन दोनों फेसेस के बीच में लिक्विड वाटर एंड ऑयल फैट, इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन है, और इस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमें इसमें ऐड करना है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये मेरे पास बर्तन क्लीन करने वाला सोप है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, देखिए घी मिक्स होता जा रहा है। लीजिए ऑयल एंड वाटर, नाउ दे आर मिक्स्ड, और ये बन गई है हमारे पास इमल्शन। नो डाउट इट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सा ये हमने एग्जाम्पल बनाया है, दिस इज इमल्शन। अब आपको घी के पार्टिकल्स, ऑयल के, ये ऊपर थोड़ी झाग बनी है, दिस इज नॉट घी, झाग बनी है ये, आप देख सकते हो। आपको अलग से ये देखिए फ्रोथ है, इट इज, लेट मी ट्राई टू फोकस इट, यस, ये झाग है ऊपर, सी, और ये पूरा का पूरा घी और ऑयल जो है वो आपस में मिक्स हो गया। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ना, तो ये सारी की सारी झाग खत्म हो जाएगी। ये झाग है क्योंकि सोप डाला है ना इसमें। तो इसी तरीके से हमारे बर्तनों से सारा घी निकल जाता है जब हम डिश वॉश यूज करते हैं, जो भी सोप। ये देखो झाग थोड़ी कम हो गई, बहुत कम हो गई। सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन एंड यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, हाउ टू स्टेबिलाईज एनी इमल्शन, राइट? ओके, अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी इमल्शन वाटर इन ऑयल है और कौन सी इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर है। लेट अस टेस्ट फॉर इमल्शन, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, वेरी इजी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट। ओके, मिल्क को हमें और डाइल्यूट करना हो, क्या करते हैं? पानी डालते हैं, ऑब्वियसली पानी डालते हैं। तो दूध को पतला करने के लिए हम उसमें पानी डाल देते हैं, वो पानी डालने से डाइल्यूट हो जाता है, पानी अलग नजर नहीं आता। रीजन, मिल्क के अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर। वाटर इज इन लार्ज क्वांटिटी और फैट का कंटेंट उसमें कम होता है। तो आप इस चीज को करके देख लीजिए, दूध को अगर आप, मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप खुद करके देखें, राइट? ये रहा ग्लास ऑफ मिल्क, आपने ऊपर से इसमें 1 स्पून घी डाल दिया, देसी घी डाल दीजिए, कई लोग पीते भी होंगे। तो जैसे ही आप इसमें घी डालेंगे, आप देखेंगे घी की लेयर
दूध के ऊपर ही तैरती रहेगी, वो इधर मिल्क के अंदर मिक्स नहीं होता। आप चम्मच से जितना मर्जी उसको स्टिर कर लीजिए, लेकिन वेन एवर यू विल ट्राई टू डिजोल्व एनी फैट, आप ऑयल डाल दीजिए, आप घी डाल दीजिए, चाहे आप चाय में डाल के देख लीजिए, मिल्क में डाल के देख लीजिए, वो उसमें मिक्स नहीं होगा। लेकिन आप दूध के अंदर पानी डालिए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, बिकॉज ये कौन सी इमल्शन है, ऑयल इन वॉटर, इट कैन बी डाइल्यूटेड विद वॉटर ओनली, क्लियर। तो डाइल्यूशन टेस्ट हम कैसे करेंगे, अगर जो भी हमारे पास सोल है इज डाइल्यूटेड विद एडिशन ऑफ वॉटर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, तो इट इज ऑयल इन वॉटर टाइप। और अगर ये फैट से, घी से डाइल्यूट हो जाती है, इफ इट इज नॉट डाइल्यूटेड विद वॉटर, दैट इज वॉटर इन ऑयल टाइप। आप एक ही चीज को करके दोनों में पानी डाल दीजिए, दोनों कंटेनर्स में जो पानी डालने से डाइल्यूट हो गया दैट इज ऑयल इन वॉटर टाइप, और जो डाइल्यूट नहीं हुआ दैट इज वॉटर इन ऑयल टाइप, राइट। एक है डाइल्यूशन टेस्ट, ओके। अब दूसरा है हमारे पास डाई टेस्ट, डाई टेस्ट, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, एक वॉटर सॉल्युबल डाई ली, वॉटर सॉल्युबल डाई आपके घर में रहती है, आप यूज कर सकते हैं कोई भी फूड कलर, हलवा बनाते हैं कलर्ड हलवा, कईयों के घरों में बनता होगा, लड्डू का कलर होता है, मार्केट में मिल जाते हैं छोटे छोटे 5-5 रुपए की डिब्बी होती है छोटी सी, तो आप फूड कलर ले लीजिए, और वो फूड कलर घी में डिजोल्व नहीं होते, घी में आप कोशिश कर लीजिए वो उसमें डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, अपना कलर नहीं छोड़ते, लेकिन हल्का सा पानी लग जाए दे विल डिजोल्व, तो दे आर वॉटर सॉल्युबल डाई, ओके। अब मैंने वॉटर सॉल्युबल डाई ले ली रेड कलर की, ठीक है। अब ये मेरे पास दो बीकर हैं, इस बीकर के अंदर अब इमल्शन दोनों तरह की मैंने ले ली, ठीक है। ये वाली इमल्शन है वॉटर इन ऑयल, मतलब मेजर पोर्शन ऑयल है और कहीं कहीं बीच में वॉटर ड्रॉपलेट्स है, राइट, पूरे में डिस्पर्स्ड है, और ये है ऑयल इन वॉटर लाइक मिल्क। तो यहां पे पूरी बैकग्राउंड वॉटर की है और ये ड्रॉपलेट्स किसकी हैं, फैट की, ऑयल की। अब डाई कौन सी है, वॉटर सॉल्युबल, तो वॉटर इन ऑयल, तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ बीच बीच में आपको रेड कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे, रेड कलर, लेकिन यहां पे मेजर पोर्शन कौन सा है, वॉटर। तो ये जितना भी मैं शेडेड पोर्शन दे रही हूं ये सारे का सारा रेड, और उसमें आपको ये जो सर्कल्स हैं ये कलरलेस दिखाई देंगे, तो ये जो जितनी भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हो गई रेड और ये क्या रहेंगे इसमें, कलरलेस। तो इस तरीके से आप दोनों डाइस को, दोनों कंटेनर्स को, जो जो इमल्शन इसमें है जो इसमें है, आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपने वाटर सॉल्युबल ली है और बैकग्राउंड कलर्ड होगी मींस इट इज ऑयल इन वॉटर डाई, ठीक है। अच्छा, हमारे ही किचन में एक और डाई रहती है, दैट इज नेचुरल डाई, टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी जो है वो पानी में रंग नहीं छोड़ती है लेकिन तेल में रंग छोड़ती है। जब आप कोई सब्जी बनाते हो तो अगर आप डायरेक्ट डालते हो ना, दाल बनाने के टाइम पानी में डाल देते हो, वो उतना कलर नहीं देगी, जब आप तेल के अंदर थोड़ी सी भी हल्दी डाल के देखिए वो एकदम से कलर छोड़ देती है, तो दैट इज नेचुरल डाई। और अगर आपके किचन में यूज होने वाली हल्दी पानी के अंदर कलर दिखा रही है, इट मींस
जिस भी कंपनी की हल्दी आप यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, उन्होंने कोई और डाई उसमें डाली है येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए. तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर टर्मेरिक इन योर किचन. आप हल्दी को पानी में घोलिए और चेक कीजिए, वो रंग तो नहीं छोड़ रही है. नहीं छोड़ना चाहिए, जो सही हल्दी होगी वो रंग नहीं छोड़ेगी, वो सिर्फ तेल के साथ कलर दिखाएगी. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑयल सोल्यूबल डाई लेते हैं तो बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे बैकग्राउंड अगर आप ऑयल सोल्यूबल लेंगे तो बैकग्राउंड कलर्ड हो जाएगी और ड्रॉपलेट्स जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ना. ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर्ड और ड्रॉपलेट्स कलरलेस. और इधर क्या होगा, क्योंकि ऑयल सोल्यूबल है यहां पे कलर दिखाई देगा और बैकग्राउंड क्या हो जाएगी, कलरलेस. तो इस तरीके से आप अलग अलग इमल्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन टेस्ट एज वेल एज डाई टेस्ट. राइट, तो ये थी इमल्शंस. अब हम बात करते हैं. ओके प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने मिल्क के अंदर घी ऐड किया है. राइट, आप लोग देख पा रहे हो, देखिए ये दोनों लेयर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं. ठीक है, आप इसको कितना भी शेक करने की हम कोशिश करें, क्योंकि हमने एडिशनल डाला है ना बाहर से, तो ये इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं है, ये लेयर ऐसे ही रहेगी. बहुत से लोगों ने, कई बार आप लोगों ने पिया होगा, कभी कोई चोट लग जाती है तो आपके मदर ने या दादी माँ ने आपको ज़रूर दिया होगा. तो ये इसका मतलब कि दूध को आप घी डालकर डाइल्यूट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन क्या है, वाटर. ओके, अब देखिए मैंने एक और गिलास के अंदर दूध लिया है, ये लीजिए, और अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी. ये देखिए इट इज़ डाइल्यूटेड, वाटर की लेयर तो नहीं अलग से नज़र आ रही, देखिए. ठीक है, तो आप इसको वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर सकते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन टेस्ट. दोनों गिलास में मेरे पास मिल्क था. राइट, मुझे पता करना ये किस टाइप की इमल्शन है. तो इट इज ऑयल इन वाटर टाइप. ऑयल कम है, वाटर ज्यादा है. यही रीजन है कि जब मैंने इसमें घी डाला तो देखो इसकी घी की लेयर अलग है, और जब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो वाटर जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गया. सी, ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इमल्शन. ओके, अब देखो बच्चे, हमने आपके सामने मिल्क के अंदर ऑयल ऐड किया, वो तो मिक्स नहीं हुए, लेकिन मिल्क इज एन इमल्शन इन विच ऑयल is dispersed, oil is dispersed in water. तो this is oil in water type. तो ऐसा क्या हुआ, मिल्क के अंदर ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन थी जो ऑयल और वाटर को मिक्स करवा देती है, ऐसा क्या था उसके अंदर. तो here comes the role of emulsifying agent. emulsifying एजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर. इमल्सीफाइंग एजेंट और इमल्सीफायर. और ये क्या काम करता है, अब हमारे पास दो फेसेस हैं, एक ऑयल और दूसरा वाटर, दोनों की बीच में एक गैप है. राइट, आपको ये दो लेयर्स अलग अलग से नजर आए, आपको ये दोनों लेयर्स अलग अलग से नजर आ रही हैं. इन दोनों के बीच की अगर मुझे टेंशन को हटाना है, इंटरफेशियल टेंशन, तो इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस इंटरफेशियल टेंशन. दो फेसेस के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है ये उसको रिमूव करता है. राइट, अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर हम देखें, हम कोई भी तली हुई चीज खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तला हुआ भी खाते हैं. राइट, तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इमल्सीफाइंग एजेंट है, एंड दैट इज बाइल जूस. गॉल ब्लैडर से वो हमारे, जब हम खाना खाते हैं, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो गॉल ब्लैडर से वो सिक्रीशन जो है दैट इज कॉल्ड बाइल जूसेस,
दैट एक्ट एज इमल्सीफाइंग एजेंट. और वो क्या करता है, ये जो ऑयल और वाटर अलग है ना, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देता है. इमल्सीफाइंग एजेंट का काम ही ये होता है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देता है. अदरवाइज क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमने ऑयल खाया, घी खाया, वो हमारी बॉडी में चिपक नहीं जाएगा, ठीक है ना. लेकिन इमल्सीफाइंग एजेंट उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मैंने आपको पहले जो हम किया था ना, हमने लास्ट चैप्टर किया था, उसमें आपको बताया हुआ है, प्रीवियसली आपको मैंने बताया हुआ है कि बाइल जूस जो है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और फैट की डाइजेशन मुंह से स्टार्ट नहीं होती लाइक स्टार्ची फूड, ठीक है. तभी जिस दिन हमने तला हुआ खाया होता है, हमें भूख थोड़ी लेट लगती है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है. ओके, अब इमल्सीफाइंग एजेंट इंटरफेशियल टेंशन को कम कैसे करता है. अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये था कि मिल्क के अंदर कौन है इमल्सीफाइंग एजेंट, दैट इज केजिन, ठीक है. मिल्क के अंदर इट्स अ प्रोटीनिक पार्ट विच एक्ट एज इमल्सीफाइंग एजेंट. तो इसका काम क्या होता है, एक तरफ से वाटर को पकड़ लिया और एक तरफ से ऑयल को, और बीच में एज अ ब्रिज ये काम करता है, दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है. ओके, केजिन इट इज द नेचुरल इमल्सीफायर ऑफ मिल्क. तो अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखें, सोप, इमल्सीफाइंग एजेंट सोप, राइट. तो सोप क्या करता है, सोप के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहता है आर सी ओ ओ एन ए पॉजिटिव. तो दिस इज सी ओ ओ, बाहर आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एन ए, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव. और ये रही लॉन्ग चेन सी 17 टू सी सी 15 टू सी 17. 15 से 17 कार्बन एटम्स की ये चेन होती है, एंड दिस चेन इज हाइड्रोफोबिक. दिस इज नॉन पोलर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड हेड, हेड इज पोलर, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है. तो अब जब हमारे पास दो फेसेस हैं, दिस इज ऑयल ड्रॉपलेट, अब ये सारा आप कर चुके हैं, टेल्स अंदर चली जाती हैं और हेड्स जो हैं वो बाहर रह जाते हैं. तो इस तरीके से अब ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन आप हल्का सा डिटर्जेंट डालेंगे, दे विल गेट मिक्स्ड, बिकॉज सोप एक्ट्स एज एन इमल्सीफाइंग एजेंट और वो दोनों को मिक्स करवा देता है, राइट. तो ये था रोल ऑफ इमल्सीफायर, और इसी वजह से बहुत सी नेचुरल अकरिंग इमल्शंस जो हैं स्टेबल रहती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल इमल्सीफायर्स. और हम क्या करते हैं, इमल्सीफायर्स जो हैं वो हम बाहर से ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो गम है, जेलेटिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमल्शन को स्टेबल करने का काम करती हैं. इमल्सीफाइंग एजेंट्स में गम्स आ जाती हैं, देन स्टार्च आ जाती है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स आ जाते हैं, राइट, सोप्स ऑफ डिफरेंट काइंड, देन जेलेटिन आ जाती है, राइट. तो इस तरीके से दीज आर द, नो डाउट दीज आर नेचुरल एंड सर्टन सिंथेटिक जो हमारे पास इमल्सीफाइंग एजेंट्स हैं, राइट. ये मेरे पास फूड कलर है, लेट मी फोकस ऑन इट. ओके, दिस इज लेमन येलो कलर, राइट. लेट मी ओपन इट अप. तो ये रहा फूड कलर, राइट. और ये जो फूड कलर है, इट्स अ डाई एंड इट इज वाटर सॉल्युबल. अभी आप देखिए, मैं इसको थोड़ी सी डाई लेके इसको पानी में डिसॉल्व करके दिखाती हूँ आपको. तो ये देखो, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ली है, ये लीजिए, राइट. ये वाटर सॉल्युबल डाई, ठीक है. तो मुझे आपको इमल्शन दिखानी है, ठीक है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले इमल्शन बनाई थी ना हमने, ऑयल एंड वाटर. अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये डाई मैंने मिक्स कर दी,
उस इमल्शन में जो हमने तैयार की थी। अब देखो इसमें अभी भी झाग है, मैं इसको जस्ट शेक करूंगी, आपने इसकी ड्रॉपलेट्स के ऊपर ध्यान देना है, उसमें आपको कलर दिखाई नहीं देगा। ओके प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऑयल एंड वाटर की इमल्शन देख ली थी, अब हम बनाएंगे दूसरी इमल्शन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ऑयल हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और वाटर कम क्वांटिटी में, ठीक है। ये मेरे पास रिफाइंड ऑयल है तो ये मैं ले रही हूँ इसके अंदर, राइट। तो ये देखिए ये मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है, और अब मुझे बिल्कुल कम क्वांटिटी थोड़ा सा इसमें डालना है वाटर। बेटर है कि मैं स्पून की हेल्प से लूँ, तो ये देखिए, ठीक है। और आपको पता है जो इमल्शन है, इमल्शन का मतलब इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स ही इमल्शन बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हो ड्रॉपलेट्स कैसे जा रही हैं, सारे का सारा पोर्शन जो है वो तो ऑयल का है, तो देखो कितनी क्लियरली आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स उसमें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और मेरे पास जो डाई है, आपको याद है ना कौन सी वाली डाई हमने यूज़ की थी, मैं उसी डाई को अभी यूज़ करूँगी, आप देखना। ओके, ये हमने डाई यूज़ की थी येलो, लेमन येलो, ठीक है, फूड कलर है ये। और ये लीजिए मैंने डाई को डाल दिया है इसके अंदर, और अब क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल डाई है, ओके, हाउ ब्यूटीफुल, देखो जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं, सी ड्रॉपलेट्स के ऊपर कलर आ रहा है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा फोकस के लिए। ये देखिए जो ड्रॉपलेट्स तैर रही हैं पानी के, लो मैं इसको शेक करती हूँ, ये देखो बैकग्राउंड वाइट है, देखो ध्यान से बैकग्राउंड उसकी वाइट है और ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कलर दिखा रही हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में नहीं है। फिर से इसको शेक करके मैं रखती हूँ, ये देखो ड्रॉपलेट्स के ऊपर येलो कलर और ऑयल के ऊपर येलो कलर नहीं है, राइट। अब मैं दोनों डाइज को आपके सामने लेके आ रही हूँ, ये लीजिए, अब ये मेरे पास दोनों इमल्शंस हैं। अब क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल डाई थी, इसका मतलब जो वाटर वाला पोर्शन है वो कलर दिखाई देगा, है ना। तो इस वाली डाई के अंदर हमने क्या किया था, इट वॉज ऑयल इन वाटर, वाटर ज़्यादा था, ठीक है। मैं इसको शेक करूँगी, देखना वो जो हमारे पास इसके अंदर ऑयल का कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा। ये देखो उसके ऊपर, ये देखो जो क्लाउडी सी आपको नज़र आ रही है ना, अभी धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा फिर से। ये देखो क्लाउड्स आते हैं ना, तो इन क्लाउड की ड्रॉपलेट्स के ऊपर कलर नहीं है, तभी आप इस क्लाउड को देख पा रहे हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड सारी की सारी येलो है, जबकि इसके अंदर, अब इन दोनों को ज़रा आप कंपैरिजन लीजिए, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क रहा, यहाँ पे सिर्फ वाटर की ड्रॉपलेट्स, ये देखो सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर येलो कलर है और बैकग्राउंड सारी की सारी ब्लैंक। और इस केस में, इधर से थोड़ा धूप पड़ रही है, इस केस में देखिए सारी की सारी बैकग्राउंड कलर्ड, ठीक है, अगर आप रेड कलर की डाई लेते हो तो रेड होगी, तो ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इस टेस्ट को, डाई टेस्ट को यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन सी इमल्शन है। ये देखो क्लियरली आपको दिखाई देती है, और पहले पानी और जो तेल था वो मिक्स नहीं हो रहे थे, हमने क्या डाला था इसमें, हाँ डिश वॉश वाला सोप डाला था, लिक्विड सोप डाला था। आपके पास जो भी सोप हो, ये बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, आप इनको अपने घर पे करके देख सकते हो। आपके पास हैंड वॉश है, आप हैंड वॉश यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। आपकी बुक के अंदर भी सेम ऐसा डायग्राम बनाया होता है, एक में कलर होता है और एक में वो बैकग्राउंड कलर होती है, और एक में सिर्फ ड्रॉपलेट्स और बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, कलर नहीं होती। देखो फिर से देखिए, ये देखो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, मेजर पोर्शन इसमें ऑयल है और ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जो ऊपर उठती हैं, कलर्ड है, और थोड़ी देर में जब पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, और देखो सारे का सारा जो ऑयल है वो बिल्कुल कलरलेस दिखाई देगा।
और इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, इसमें भी दिखाई देते हैं, ये देखो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं और पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हैं, जस्ट शेक करने पर वो ऐसे क्लाउडी सी होके हमें नज़र आती हैं। ठीक है, तो जो भी सोप आपके पास अवेलेबल है यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। आप हैंड वॉश ले लीजिए, डिटर्जेंट ले लीजिए, नहाने वाला साबुन ले लीजिए। इमल्सीफाइंग एजेंट का काम क्या है, वो इमल्शन को स्टेबल करने के लिए उनकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है, राइट। तो इट वॉज अ सिंपल डेमॉन्स्ट्रेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप, राइट। वॉट आर जेल्स? जेल्स क्या है? जेली बेली, टॉफी खाते हो आप लोग, है ना, हल्का सा स्क्वीज करते हो फिर वापिस अपनी जगह आ जाती है, और च्यूई होती है, खाते हो तो आप उसको क्रैक की आवाज नहीं आती है, च्यूएबल होती है। जेल्स के अंदर कौन से कोलाइडल सॉल्यूशंस आते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस, इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, राइट। तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप वो बन जाती है जेल, राइट। और मैंने जब शुरू में इनकी क्लासिफिकेशन की थी वहां मैंने आपको बताया था मार्केट के अंदर बहुत सारे घर में रखने वाले डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेल्स, स्मॉल बॉल्स। आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, वो बहुत पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द जेल्स। तो वो स्वेल कर जाती हैं, लार्ज, छोटा सा एक पैकेट आप खोलते हो जैसे बीन शेप, माँ की दाल होती है ना, उतने छोटे छोटे वो रहते हैं, पानी डालते हो दे स्वेल, बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं। फिर आप उस पानी को ड्राई होने दो, वो फिर अपनी वापस पहले वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। तो दीज आर जेल्स। अब ये जेल्स दो तरह की हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है इलास्टिक जेल्स, सेकेंड इज नॉन इलास्टिक जेल्स, दो तरह की। अब इलास्टिक जेल्स वो होती हैं, कुछ जेलीज आपने देखी होंगी कि आप उनको स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो वापस, बहुत सारे फेयर्स में, मेले के अंदर ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, डेकोरेशन पीसेस बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं, जेली टाइप बॉल होती है, आप उसको कहीं पे भी फेंक दो वो किसी भी शेप में बिखर जाएगी, फिर उसको इकट्ठा कर देते हैं और फिर से बॉल बन जाती है। तो दैट इज इलास्टिक जेल, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होगी, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मीन्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप अगेन एंड अगेन, बार बार वो अपनी पहले वाली शेप को रीगेन कर लेगी। बट देर आर ऑल्सो नॉन इलास्टिक जेल्स, कि आप इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ जेल्स, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, राइट। तो इलास्टिक के अंदर ये अपनी शेप को दोबारा दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं जेलेटिन, राइट, देन स्टार्च, इसके अंदर एग्जांपल हम ले लेंगे सिलिका जेल। सिलिका जेल हमने शुरू में भी यूज करी थी, दैट इज सिलिका जेल। हाँ, एक चीज और, एगर एगर मीडियम, बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर हम जेलेटिन को यूज करते हैं उसको जेली टाइप टेक्सचर देने के लिए। इवन हमारे जो जैम्स आते हैं ना, आप लोग खाते हो ब्रेड के साथ, किसान जैम, पतंजलि जैम, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी जेलेटिन डाली जाती है, फ्रूट्स के फ्लेवर होते हैं और उसमें वो जो जेली टाइप टेक्सचर आता है, दैट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ जेलेटिन। अब हम बात करेंगे
collides around us. इसका क्लोजिंग पार्ट हमारे पास, लेट्स सी इट. सो लेट अस टॉक अबाउट collides around us and its applications. Just a revision what we learned in this chapter. कहाँ कहाँ आपने collides देखे? मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. ब्लू कलर ऑफ स्काई द बेस्ट एग्जाम्पल द कोलाइड अराउंड आर सेल्फ. ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है, राइट? दैट इज वाई जो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट वेन लाइट इज स्कैटर्ड स्काई अपियर्स ब्लू. लाइट को स्कैटर कौन करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, राइट? तो टिंडल इफेक्ट भी आ गया और कोलाइडल का एग्जाम्पल भी आ गया. देन फॉग, मिस्ट, रेन, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल कोलाइड्स. फॉग उसके अंदर क्या है? वाटर इन एयर टाइप. मिस्ट, मिस्ट जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट हमें दिखाई देते हैं. जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं लाइक आइसक्रीम, बटर, चीज, सारे के सारे क्या हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस. ओके, सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. सॉइल कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स. जितने भी, और सॉइल कौन सी होगी? ये फर्टाइल वाली, और उसी की वजह से इसकी फर्टिलिटी मेंटेन होती है. डाइंग इंडस्ट्री, जितने भी हमारे क्लोथ्स, क्लोथ्स के ऊपर अलग अलग कलर्स आते हैं, दैट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. कोलाइडल सॉल्यूशंस, डाइज, दे आर एड्सॉर्ब्ड, अ लिटिल बिट एड्सॉर्ब्ड एंड एब्सॉर्ब्स ऑल्सो. देन रिवर डेल्टा. ओके, आप सभी को पता है कोई भी रिवर जब समंदर के पास पहुंचती है, व्हेन इट रीचेज सी, लेट इट बी रिवर वाटर, इट इज रीचिंग अ सी, तो यहां पे ऐसे डेल्टा बनता है. क्यों बनता है? ये रहा सी शोर. यहां से सी के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? सबसे ज्यादा तो नमक रहता है इसके अंदर, है ना? इलेक्ट्रोलाइट है सी वाटर के अंदर. तो इधर से जब रिवर पहुंची, कहां कहां से रिवर निकल के आ रही है, उसके अंदर कितने ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कितनी रॉक्स के साथ वो कितनी रॉक्स को क्रॉस करके आ रही है, कितने फील्ड्स को क्रॉस करके आ रही है, तो अलग अलग स्टेट्स की सॉइल उसके साथ आ रही है, तो इसमें बहुत सारे कोलाइड्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं. तो जैसे ही ये इसके पानी की तरफ बढ़ते हैं, इधर से ये और इधर से ये, यहां पर हो जाती है कोएगुलेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन हो गई. प्रेसिपिटेशन होते ही अब यहां पे मटेरियल बढ़ गया तो वाटर लेवल ऊपर को चलता है, राइट? ऐसे वाटर लेवल इस तरीके से फैल जाता है एंड इट टेक्स अ शेप ऑफ डेल्टा. इस तरीके से वाटर लेवल ऊपर को चढ़ेगा एंड इट टेक्स द शेप ऑफ डेल्टा. और यहां पे ये जो डेल्टा बनता है ना, जहां पे कोई भी नदी समंदर में मिलती है, डेल्टा सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है, है ना? आप लोग पढ़ते हो गंगा नदी का डेल्टा, पढ़ते हो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, पढ़ते हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है सॉइल की. देन वार्निशेस, पेंट्स, गम्स, वेरियस टाइप ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशंस. इमल्शंस भी हैं, जेल्स भी हैं. देन एस्फॉल्ट, रोड बनाने के लिए आपने देखा वो जो ब्लैक कलर का मटेरियल डालते, दैट इज एस्फॉल्ट. उसका इमल्शन बनाया जाता है इन वाटर एंड देन इट इज अप्लाइड ऑन रोड, राइट? देन टेल ऑफ कॉमेट्स. रिसेंटली एक कॉमेट हमारी अर्थ के नजदीक से निकल कर गया है जो 6000 ईयर्स के बाद दिखाई देता है. 30th जुलाई तक स्काई में वो नजर आना था एंड दिस टाइम इट वॉज हैविंग टू टेल्स, राइट? तो वो टेल किसकी वजह से है? Yes, again, tail, it consists of many collidal particles. और अर्थ के ऊपर पूरी की पूरी वो टेल, वो आगे चला गया मटेरियल कॉमेट आगे, और जैसे आगे को गया तो उसकी जो टेल है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो हमें दिखाई देती है. ब्लड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. और हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं? फूड आइटम्स. कितनी फूड आइटम्स हैं? आइसक्रीम, बटर, चीज, खाने वाली चीजें, हमारे पास जैम, राइट? तो ये सारी के सारी फूड आइटम्स है, दीज आर कोलाइडल सॉल्यूशंस. मेडिसिंस, मैक्सिमम ऑल मेडिसिंस आर, ऑलमोस्ट ऑल द मेडिसिंस आर कोलाइडल इन नेचर, आइदर इन लिक्विड फॉर्म और आइदर इन टैबलेट. देन स्मोक प्रेसिपिटेशन. बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर आजकल
आजकल क्या काफी टाइम से, क्योंकि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो काफी ध्यान रखते हैं इस चीज का कि पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, उनको एक इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर लगाना पड़ता है। आप एनिमेशन में इसको अच्छे से समझना कि स्मोक यहां से एंटर किया और जगह जगह पे इलेक्ट्रिक इस तरीके से प्लेट्स लगी हुई हैं, तो स्मोक यहां से एंटर हुआ, यहां उसके पार्टिकल डिपॉजिट, यहां डिपॉजिट, यहां डिपॉजिट, करते करते वो जब इस पूरे चैम्बर में से बाहर निकलता है तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जितने भी हैं, जो सूट पार्टिकल्स हैं, वो अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो स्मोक बाहर जाता है दैट इज प्योर, उसके अंदर ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। सीवेज डिस्पोजल इसमें भी ऐसे ही है, अंडरग्राउंड सीवेज के अंदर भी जहां पे सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स रहते हैं, प्लांट का मतलब पेड़ वाला प्लांट नहीं, बहुत बड़ी सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री रहती है जहां पानी को ट्रीट किया जाता है, गंदे पानी को साफ किया जाता है, तो वहां पे भी इसी तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। अ प्रोसेस इज लिटिल बिट लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसमें से जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उन प्लेट्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बड़े अच्छे से आपको आता है। देन फोटोग्राफी, नाउअडेज आप लोग मोबाइल से फोटो क्लिक करते हो, डिजिटल कैमराज हैं। रिसेंट टाइम के अंदर जब हम फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते थे तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जेलेटिन के अंदर मिक्स करते थे और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगा देते थे और उसके ऊपर फोटो उतारा जाता था। इट वॉज यूज इन फोटोग्राफी, राइट? एंड नाउ दिस इज अ ओल्ड टेक्निक, अब तो आप लोगों के पास डिजिटल कैमराज हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे सराउंडिंग के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बीच में ही रह रहे हैं, रादर उनको यूज कर रहे हैं, चाहे लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, एरोसोल्स की फॉर्म में। सो लेट अस रिवाइज दिस ऑल थ्रू दिस एनिमेशन। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इमल्शंस के बारे में। जब हम दो सब्सटेंसेस जो कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों को मिक्स करते हैं तो बनती है इमल्शन। और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों ही लिक्विड हैं और ये लिक्विड मैक्सिमम इमिसिबल होते हैं या फिर पार्शली मिसिबल, राइट? जैसे ऑयल एंड वाटर पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं बीच में, दे आर टोटली इमिसिबल, राइट? तो ये रहे वाटर और वाटर के अंदर ऑयल, राइट? अब टाइप ऑफ इमल्शंस देखें, मैंने आपको लेक्चर के अंदर समझाया था, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, मींस यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ऑयल, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो मीडियम, जैसे मिल्क। मिल्क के अंदर क्या है, फैट के पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है। फिर वैनिशिंग क्रीम, दिस इज आल्सो ऑयल इन वाटर टाइप। नाउ वाटर इन ऑयल देखें, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है वाटर और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ऑयल। ऑयल ज़्यादा और पानी कम, जैसे बटर। बटर देखने में सॉलिड और उसके अंदर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स रहती हैं। देन कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इमल्शन के अंदर क्या रहता है, दोनों इमिसिबल हैं। जितना शेक करते हैं ना, जैसे पानी और तेल की अगर आप इमल्शन बनाते हैं तो थोड़ी देर में फिर से वो वापस दोनों लेयर्स अलग हो जाती हैं। तो इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हम जो सब्सटेंस ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। और वो क्या करता है, इमल्शन को स्टेबल कर देता है। अब ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठी होकर अलग लेयर नहीं बनाएंगी, ठीक है? आपने देखा था ना एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शंस होती हैं उनको स्टेबल करने के लिए प्रोटीन, गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप और एनी टाइप ऑफ डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड, राइट? तो दीज आर द इमल्सिफाइंग एजेंट्स और स्टेबलाइजर्स विच आर यूज टू स्टेबलाइज इमल्शन। और अगर हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस को स्टेबल करना चाहें देन वी हैव टू यूज हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ एनी फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक।
आप इनको यूज करके वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस को स्टेबलाइज कर सकते हो। अब देखो, जैसे ट्रू सॉल्यूशन होता है उसी तरीके से इमल्शंस हैं, और इमल्शंस भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोएगुलेशन और डिमल्सिफिकेशन, राइट। तो ये भी प्रॉपर्टीज शो करती हैं लाइक अदर क्लोराइड सॉल्यूशंस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डाइल्यूशन, इमल्शन को किससे डाइल्यूट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट। ऑयल इन वाटर को आप वाटर ऐड करेंगे तब वो डाइल्यूट होगा, एंड वाटर इन ऑयल को आप ऑयल ऐड करके डाइल्यूट कर सकते हैं, राइट। मिल्क को करना हो तो क्या ऐड करेंगे, वाटर, येस। नाउ दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऑयल इज अ फेज एंड वाटर इज अ मीडियम। तो अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो वो डाइल्यूट नहीं होता। अब सेपरेशन ऑफ इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे कैसे कर सकते हो, बॉयल करके, फ्रीज करके, सेंट्रीफ्यूगेशन से और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन देखो, मैंने आपको बताया था ना एक लेक्चर के अंदर कि ऐसे तो ट्यूब्स लगी रहती हैं और उसको तेज़ी से घुमाया जाता है। अगर हम मिल्क की कोएगुलेशन कर सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो देखो, क्रीम, मिल्क और फैट तीनों चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। इमल्शंस की एप्लीकेशंस, हमारे पास मेडिसिंस हैं, बॉडी लोशंस हैं, तो उनको स्किन पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो इमल्शंस आर यूज्ड एज मेडिसिंस, एंटीबायोटिक्स और कोई भी बॉडी लोशन, तो इट कैन बी अप्लाइड वेरी इजीली, व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यू रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर। वाटर ज़्यादा होता है और ऑयल कम रहता है। देन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या पहले भी देख चुके हो, हम चर्निंग कर रहे हैं, राइट। देन मिल्क, मिल्क इज एन इमल्शन इन विच लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो फैट हमें नज़र नहीं आता है, और इस फैट की इमल्सिफिकेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है जब गॉल ब्लैडर बाइल जूसेस इसके ऊपर सिक्रीट करता है। देन सड़क बनाने के लिए हम एस्फॉल्ट को मेल्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, चलो देखें हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से कोलाइड्स हैं, लेट फाइंड आउट। फूड, हलवा, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, फर्नीचर वी यूज, हाउसेज वी लिव इन, देन न्यूज़पेपर वी रीड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। क्लोथ्स को हम पेंट कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए हम वार्निश यूज़ कर रहे हैं, घरों के लिए हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जब दिन होता है तो आपको स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है, कारण अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स वो सनलाइट को स्कैटर करते हैं, और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे स्मॉल है तो हमें दिखाई देती है, राइट। इसी तरीके से सी वाटर के अंदर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो भी सनलाइट को स्कैटर करते हैं, राइट, टिंडल इफेक्ट। तो इसीलिए हमें सी का वाटर जो है वो ब्लू दिखाई देता है ना, ब्लू है पानी पानी, तो ये इसलिए ब्लू दिखाई देता है। तो मिल्क, हलवा, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, जेलीज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स, आप कहाँ भाग के जाओगे इन चीज़ों से। कोलाइडल सॉल्यूशंस को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब मिल्क क्या है, इट इज़ एन इमल्शन ऑफ फैट्स इन वाटर। आइसक्रीम क्या है, इट्स अ डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल आइस पार्टिकल्स इन क्रीम। आइसक्रीम के अंदर सारा क्रीम ही तो होता है मिल्क का। देन ब्लड, ब्लड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन्स, कितना कुछ इसमें घुला रहता है, हेमोग्लोबिन, राइट। तो ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये देखो ब्लड के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें वो सिर्फ लिक्विड ही दिखाई देता है। RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, राइट।
नेचर के अंदर फॉग, मिस्ट, रेन, ये भी किसके एग्जांपल्स हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस के। आपने देखा होगा ओस पड़ी होती है ना, रात को मौसम ठंडा हो जाता है तो जितनी भी मॉइस्चर है वो प्लांट्स के ऊपर फ्रीज कर जाता है, दिन के टाइम ये धीरे धीरे इवेपोरेट होता है एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मिस्ट, इससे मिस्ट बन जाती है। ओके, क्लाउड्स, क्लाउड्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और इसमें क्या रहता है, क्लाउड्स के अंदर क्या रहता है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, मीन्स दिस क्लाउड्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल्स, लिक्विड इन एयर, लिक्विड इन गैस। और बारिश होती है इसलिए हमने क्या वहाँ पीछे कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल रेन। ओके, जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं तो इनके ऊपर चार्ज होता है, आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है, थंडरिंग, वोल्टिंग, बादल फटते हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, राइट, तो इनके ऊपर चार्जेस भी होंगे। ओके, आपको पता है कुछ कंट्रीज़ के अंदर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, क्लाउड्स के ऊपर हमेशा चार्ज होता है ना, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट इनके ऊपर कैसे गिरा दें तो क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगी, कोएगुलेशन होगी तो प्रेसिपिटेशन होगी, मीन्स बारिश हो जाएगी। तो जैसे एरोप्लेन टाइप होता है उसमें सिल्वर आयोडाइड की सोल क्लाउड्स के ऊपर गिराई जाती है, क्लाउड्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और बारिश होकर पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बारिश आ जाती है। हाँ, एक मैंने आपसे एग्जांपल शेयर करी थी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, तो वो पॉइंट जहाँ से कोई भी नदी सी में मिलती है, समंदर में मिलती है, तो देखो नदी अपने साथ कितना कुछ लेके आती है, सैंड, क्ले, उसके अंदर बहुत सारे डिसॉल्व्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, और उधर सी वाटर के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जब किससे जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के साथ, व्हाट विल हैपन, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन हुई तो जो जहाँ से रिवर का वाटर जो है वो सी में गिर रहा है वहाँ पे उसका वाटर लेवल राइज कर जाएगा और इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। तो ये वाले जो पोर्शन रहता है डेल्टा का, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है इस लैंड की, ठीक है। देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ऑयल या डर्ट, तो सोप के पार्टिकल्स जाते हैं और उनकी टेल ऑयल के अंदर और हेड बाहर, सारे का सारा ऑयल निकल जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड बन जाता है, ये याद है ना आप लोगों को, एसोसिएटेड कोलाइड बन जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अगर हम देखें कि कोलाइड्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास स्मोक प्रेसिपिटेटर है, उसके अंदर जगह जगह पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी होती हैं, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है अगर वो एज इट इज़ एयर के अंदर जाए तो उसमें हार्मफुल मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, डस्ट है, देन कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल रहे तो हम क्या करते हैं, स्मोक प्रेसिपिटेटर को यूज़ करते हैं जो कि एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ये जुड़ा होता है, अब इसको चिमनी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, धुआं अंदर से आता है और इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ऊपर उसके अंदर जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेटल हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस, ठीक है। हाई पोटेंशियल अराउंड 30,000 वोल्ट्स इसके ऊपर पास किया जाता है, तो छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी इन प्लेट्स के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और जो स्मोक बाहर जाता है दैट इज़ लेस पॉल्यूटेड, कम नुकसान करता है वो, ठीक है। मोस्टली हीटेड एयर रहती है और जो कि क्लीन है, क्लीन हॉट एयर। ओके, आपको पता है पानी को साफ करने का एक और तरीका है, ठीक है, आप अपने पापा से, दादाजी हैं घर पे उनसे पूछना, पहले टाइम में क्या यूज़ करते थे, फिटकरी,
ठीक है, फिटकरी बोलते हैं इसको, एंड टेक्निकल नेम इसका, IUPAC नेम जो है दैट इज़, केमिकल नेम जो है दैट इज़ पोटैश एलम। ठीक है, तो पोटैश एलम को हम अगर गंदे पानी में डालते हैं तो वो इसकी क्वेगुलेशन कर देता है, सारे के सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा शेव करने के बाद वो फिटकरी लगाते हैं, राइट? क्यों लगाते हैं? आफ्टर शेव भी क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर कहीं कट लगा है तो वो ब्लड को रोक दे, ब्लड क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन, तो उसकी क्वेगुलेशन हो जाएगी। तो फिटकरी सेम काम करती है, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर देती है। फिटकरी को हम पोटैश एलम को एज आफ्टर शेव भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इमल्शंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, आई ड्रॉपर्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं मेडिसिन के अंदर जिनको हम यूज़ करते हैं इन द कोलाइडल फॉर्म, राइट? बहुत सी मेडिसिन जो हैं, जैसे अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन कॉड लिवर ऑयल, ये ताकत की गोलियां होती हैं, विटामिन ई रिच होती हैं, ओके। आर्जिरॉल, सिल्वर सोल होती है, ये सिल्वर की सोल होती है, और ये आई ड्रॉप है, आईज में डालते हैं इसको, राइट? तो एक और है जैसे कोलाइडल एंटीमनी, एंटीमनी का कोलाइडल सोल, इट इज़ यूज टू ट्रीट कालाजार। कोलाइडल गोल्ड, ये इंट्रावीनस इंजेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, दीज आर कोलाइडल इन नेचर। और आपको पता है एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। देन लेदर टैनिंग, आपको पता है लेदर एनिमल्स की खाल से बनता है, और एनिमल्स की जो खाल होती है, चमड़ी होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसके शूज़ कैसे बन जाते हैं, पर्सेस कैसे बन जाते हैं, लेदर की टैनिंग की जाती है। तो इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज खाल के ऊपर, तो क्या किया जाता है, मेटल लाइक क्रोमियम और एंटीमनी, इनके सोल ली जाती है, उसमें इस चमड़ी को, खाल को डिप किया जाता है। तो जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे तो लेदर जो है वो हार्ड हो जाती है। देन फोटोग्राफी, मैंने बताया था आपको फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जेलेटिन में घोल के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगाया जाता है, राइट? और जो कैमरा में रोल डालते हैं या के उसके ऊपर, या तो कांच की प्लेट के ऊपर लगाते थे, ठीक है, फ़ोटो खींचने के, आपको पता है कैमराज टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं, अब तो डिजिटल कैमराज आप लोग यूज़ करते हो, ओके। वन मोर एग्जांपल, रबर इंडस्ट्री, आपको पता है रबर जो है वो प्लांट्स का लेटेक्स होता है, और इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर डाली जाती है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डालकर उस लेटेक्स का, रबर का कोएगुलेशन किया जाता है। Coagulation of rubber is done by the addition of electrolytes, और वो रबर हार्ड हो जाती है, फिर उसको डिफरेंट purpose के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा inks हैं, paints हैं, lubricants हैं, synthetic plastic है, cement हैं, smoke screens हैं, warfare के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, cover करने के लिए, जैसे army ने एक जगह से दूसरी जगह shift करना है। इसके अलावा सीवेज डिस्पोजल, सीवेज के पानी को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। वेल, आई होप अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग, राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, ओके। तो जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस लेकर आपसे मिलें, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस, एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।